छात्रों, श्री राधाकृष्ण माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे वाच्य परिवर्तन। अब वाच्य परिवर्तन में मैंने आपको बताया था कि वाच्य कितने प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसमें से मैंने आपको तीनों प्रकारों में उसकी परिभाषा, एक सारणी बनवाई थी। अब आज हम पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन की विधि, यानी वाच्य परिवर्तन हम किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो तीन प्रकार के वाच्य में आशा करता हूं कि आप लोग पूर्ण सभी विषयों को पूर्ण रूप से पढ़ रहे होंगे। और वाच्य परिवर्तन समझने के लिए हमको विशेष रूप से उस सारणी का ज्ञान होना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि सारणी बनाने के बाद आपको शब्द रूप और धातु रूपों का भी क्या विशेष रूप से ज्ञान होना चाहिए। तो प्रमुख प्रमुख जो धातु है उनको आपको याद करना है। ठीक है, अब वाच्य परिवर्तन की जो विधि है, यानी वाच्य परिवर्तन हम किस प्रकार कर सकते हैं के नियम बताता हूं मैं कुछ आपको। जैसे कल मैंने आपको बताया था कर्तृवाच्य, यानी कर्तृवाच्य में क्या शॉर्ट ट्रिक भी देख सकते हैं अपन। कर्तृवाच्य में क्या जो कर्ता की प्रधानता होगी, किसकी प्रधानता होगी, कर्ता की, कौन सी विभक्ति में होगा हमेशा, प्रथमा विभक्ति में होगा कर्ता। प्लस कर्म, कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीया, कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीया। उसके बाद जो क्रिया होगी आपकी, ठीक है, क्रिया जो होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, कर्ता के अकॉर्डिंग, यानी कर्ता के अनुसार होगी। ठीक है, कर्तृवाच्य में क्या होगा, कर्ता प्रथमा विभक्ति में होगी, कर्म में द्वितीया होगी और क्रियाकर्ता के अनुसार होगी। दूसरी बात, यदि हम बात करें कर्मवाच्य की, तो कर्मवाच्य में जो कर्ता होगा वो होगा हमेशा तृतीया विभक्ति में। किस विभक्ति में होगा, तृतीया विभक्ति में होगा। उसके बाद जो कर्म है, कर्म में हमेशा कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा। कर्म में हमेशा कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा। अब आप ये बात क्रिया की, यहां पर जो क्रिया आएगी वो क्रिया अपने जो धातु है वो अपने मूल रूप में चलेगी। उसके बाद क्रिया में क्या जोड़ दिया जाएगा, यते यन्ते। और क्रिया किसके अनुसार होगी, यहां पर कर्म के अनुसार होगी। किसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार। ठीक है, अब यदि हम भाववाच्य की बात करें तो भाववाच्य जो है उसमें उसमें तो कुछ है ही नहीं ज्यादा बिल्कुल। उसमें तो सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है आपको कि कर्ता हमेशा कौन सी विभक्ति में होगा, तृतीया विभक्ति में होगा। कौन सी विभक्ति में होगा, तृतीया विभक्ति में होगा। और क्रिया जो है, क्रिया हमेशा क्या होगी, प्रथम पुरुष की एक वचन। क्या होगी, प्रथम पुरुष की हमेशा एक वचन क्रिया होगी। ठीक है, ये आपको विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है वैसे वाक्य परिवर्तन में। तो हम विधि की बात करें तो विधि के लिए हम पहले नियम पे आते हैं। तो पहला जो नियम है, पहला नियम क्या कहता है कि मूल धातु के बाद यह जोड़ा जाता है। क्या होगा, जो मूल धातु जो होगी, जैसे पट धातु है, पट मूल धातु है, क्या जोड़ दिया जाएगा, यह जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, गम मूल धातु है, गम के पीछे क्या जोड़ दिया जाएगा, यह जोड़ दिया जाएगा। लिख धातु है, मूल मूल धातु मूल रूप में चलेगी। ठीक है, अब जैसे ये गम धातु है, गम धातु जो है वो लट लकार में कैसे चलती है, गच्छ की तरह। किसकी तरह, गच्छ की तरह, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। उसके बाद क्या हो जाएगा, लिख का लिख्य, क्या हो जाएगा, लिख्य। तो ध्यान रखना क्या होगा, मूल धातु के बाद यह जोड़ दिया जाता है। दूसरा जैसे पॉइंट की बात करें हम, दूसरा पॉइंट क्या कहता है आपका कि दोनों प्रकार की धातुओं के रूप, दोनों प्रकार की धातु, दोनों प्रकार की, अभी बताता हूं मैं आपको कि दोनों प्रकार की धातुओं के रूप आत्मने पदी में चलाए जाते हैं। दोनों प्रकार की धातु होंगी, यानी परस्मैपदी की जो धातु होंगी
और आत्मनेपदी की जो धातु होंगी उनके रूप किसमें चलाए जाएंगे? आत्मनेपदी में ही चलाए जाएंगे। जैसे अब जैसे ये पट धातु किसकी है? परस्मैपदी धातु है, तो रूप कैसे चलेंगे? पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते। ठीक है, क्या जोड़ दिया जाएगा? य। और जो सेव धातु है, सेव क्या है? आत्मनेपद की धातु है, तो सेव धातु में सेव धातु के रूप भी कैसे चलेंगे? ऐसे ही चलेंगे, सेव्यते, सेव्येते, सेव्यन्ते। ठीक है, दोनों प्रकार के धातु के रूप किसमें चलाए जाएंगे? आत्मनिपदी में चलाए जाएंगे। दूसरी बात, ये जो आपको विधि है बता रहा हूं मैं, ये आपको पूर्ण रूप से उतारनी है और उसको याद भी करना है। ध्यान रखना, जब तक ये सारणी आपको याद नहीं होगी तब तक आप वाच्य प्रवर्तन बनाने में असमर्थ हो। तीसरा इसका जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि ऋकारांत धातुएं कौन सी धातुएं? ऋकारांत धातुएं, ऋकारांत धातुओं के री का, किसका? री का क्या हो जाता है? री री हो जाता है। ऋकारांत धातुएं यानी ऐसी धातुएं जिसके अंत में क्या जुड़ रहा हो? री, तो वो किसमें बदल जाएंगे? री। जैसे अब ये है ऋषि है, ऋषि की मात्रा इस प्रकार लगती है, ध्यान रखना। तो ऋकारांत धातु क्या हुई? क्रि धातु जो है ऋकारांत हुई, तो उसका क्या हो जाएगा? री हो जाएगा, क्रियते। ठीक है, यदि मात्रा इस प्रकार है तो री की है, यदि इस प्रकार है तो रे की है, क्या हो जाएगा? क्रियते। दूसरी धातु देखे अपन, मृ का क्या हो जाएगा? मृयते। ठीक है, उसके बाद चौथे पॉइंट की यदि हम बात करें तो चौथा पॉइंट क्या कहता है कि धातु के आरंभ के, धातु के आरंभ के क्या वह किसका? धातु के आरंभ के य और वह का, यानी ऐसी धातुएं जो किससे प्रारंभ होती हो, यैसे और वैसे, क्या हो जाता है? ई और उ हो जाता है। ऐसी धातुएं जिनका आरंभ किससे होता हो, यैसे, उसका तो ई हो जाएगा यानी उ। जैसे यज होगी तो इज्जत हो जाएगा, और वर्ण जो धातु शुरू होगी उसका क्या हो जाएगा? उ हो जाएगा। जैसे यज धातु है, यज का क्या हो जाएगा? इज्जत। वत है, वत का क्या हो जाएगा? उच्चते। वध धातु है, वध यानी बोलना, क्या हो जाएगा? उद्यते, उद्यते। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट की यदि हम बात करें, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सारणी और धातु रूप और शब्द रूप, यदि पांचवें पॉइंट की हम बात करें तो पृच्छ एवं ग्रह, पृच्छ एवं ग्रह धातुओं, पृच्छ एवं ग्रह धातुओं के, पृच्छ एवं ग्रह धातुओं के रह का क्या हो जाएगा? री हो जाएगा। पहले हमने क्या किया था? ऋषि का री किया था, अब रे का क्या करेंगे? री हो जाता है। कितने अंक आएगा ये चैप्टर जो है आपका? 3 अंक का आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो पृच्छ एवं ग्रह धातुओं के रे का री हो जाता है। जैसे अपन देखें, अब जैसे पृच्छ धातु है ये, ठीक है, ये पृच्छ है, तो क्या हो जाएगा इसका? पृच्छ्यते, क्या हो जाएगा? पृच्छ्यते। ग्रह जो धातु है उसका हो जाएगा? गृहीयते, क्या हो जाएगा? गृहीयते। ठीक है, तो ये आपको पांचवा पॉइंट हुआ। उसके बाद अगले पॉइंट की हम बात करें तो अगला पॉइंट आपको क्या कहता है कि अगला पॉइंट कहता है आपका कि धातु के अंतिम अंतिम
ई व ऊ का, किसका? धातु के अंतिम ई ऊ का क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। यानी ऐसी धातु है जिनके अंत में क्या हो, ई और ऊ हो, वो धातु कैसे बदल जाएंगी आपने? दीर्घ में बदल जाएंगे। जैसे जी धातु है, जी का क्या हो जाएगा? जीयते। श्रु धातु है, श्रु का क्या हो जाएगा? श्रूयते। ठीक है, लेकिन कुछ धातु जो है उनमें बदलेगा नहीं। जैसे नी धातु है आपकी, नी का क्या रहेगा? नीयते ही रहेगा। नी यानी ले जाना, जी यानी जीतना, और श्रु यानी सुनना। ठीक है, उसके बाद एक बात ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है विशेष रूप से आपको ध्यान करने हैं, क्योंकि जब तक आपको पॉइंट याद नहीं होंगे तब तक आप वाक्य परिवर्तन करने में क्या हो, असमर्थ हो। अब अगले पॉइंट के लिए हम बात करें, अगला पॉइंट क्या कहता है आपका? अगला पॉइंट कहता है कि रिकारांत धातुओं, ऐसी धातुओं रिकारांत, कौन सी धातु है रिकारांत? ये वाली रिकारांत धातु है। रिकारांत धातुओं के, किसके? ऐसी धातु है जिसके अंत में क्या जुड़ रहा हो, री जुड़ रहा हो। रिकारांत, रिकारांत नहीं, सॉरी, आकारांत। कौन सी धातु है? आकारांत धातु है। आकारांत धातुओं के आ का, किसका? आ का। ऐसी धातु है जिसके अंत में क्या आता है? आ। क्या हो जाता है? ई हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है। रेकारांत धातुओं के आ का ई हो जाता है। जैसे एक धातु है पा, पा यानी पीना, लेकिन लट लकार में यदि इसके हम रूप चलाए तो इसके रूप चलते हैं ऐसे, पेवती पेवता पेवंती। ठीक है, तो आकारांत धातु है, जब इसका वाक्य परिवर्तन करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा? आका ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। और ये धातु क्या हो जाएगी? पीयते। क्या हो जाएगी? पीयते। ऐसे ही मा का नीयते। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या होगा? धा का दीयते। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद सातवां पॉइंट था ये, आठवां पॉइंट की यदि हम बात करें तो आठवां पॉइंट कहता है आपका कि उपधा के अनुस्वार। क्या? अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह ये रहा। किसका? उपधा के अनुस्वार या उससे बने। किससे बने? उपधा से बने, उससे बने। किसका? पंचम वर्ण का। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। उपधा के अनुस्वार या उससे बने पंचम वर्ण का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे अपन धातु देखें, बंध धातु है तो इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, बध्यते। ऐसे ही मंथ, मंथ का, मंथ यानी मथना, मथ्यते। प्रशंस का प्रशस्यते। ठीक है, अनुस्वार का क्या कर देंगे अपन? लोप कर देंगे। क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। उसके बाद का अंतिम पॉइंट देखते हैं अपन। अंतिम पॉइंट क्या कहता है इसका? कि अंतिम पॉइंट कहता है कि धातु के, क्योंकि धातु के अंतिम, धातु के अंतिम री का, किसका? री का क्या हो जाता है? ईर हो जाता है। क्या हो जाता है? ईर हो जाता है। धातु के अंतिम ई का क्या हो जाता है? ईर हो जाता है। जैसे वी उपसर्ग है, दृ धातु है, तो क्या हो जाएगा? विदीर्यते। क्या हो जाएगा? विदीर्यते। ठीक है,
उसके बाद ये आपके 10 पॉइंट हुए। 10 पॉइंटों के बाद मैं आपको कुछ धातुओं बताता हूँ, उन धातुओं को आपको विशेष रूप से याद करना है, ठीक है। यदि हमें धातु रूप याद होंगे तो ही हम क्या कर सकते हैं, वाक्य परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कुछ धातु है, कथ, कथ का क्या होता है, कहना। वाच्य परिवर्तन में रूप कैसे चलेंगे इसका, कथ्यते। और कर्तृवाच्य में कैसे चलेंगे, कथयति, ठीक है। ऐसे रूप चलेंगे, कथ यानी कहना, कथ्यते वाच्य परिवर्तन में हो जाएगा, और वैसे कथयति। उसके बाद गृह यानी लेना, इसका क्या हो जाएगा, गृहीयते, क्या हो जाएगा, गृहीयते। जन, जन यानी पैदा होना, पैदा होना। जन का क्या हो जाएगा, जन्यते, क्या हो जाएगा, जन्यते। पच, पच यानी पकाना, इसका क्या हो जाएगा, पच्यते। पा यानी पीना, लट्लकार में इसके रूप चलेगा पिबति, यानी उसमें परस्मै पदों में, परस्मै पदी में, और यहां पर क्या हो जाएगा इसका, पीयते, ठीक है। उसके बाद खन यानी खोदना, क्या हो जाएगा यहां पर, खन्यते, क्या हो जाएगा, खन्यते। भेदो, भेद यानी भेदना, क्या हो जाएगा, भिद्यते, क्या हो जाएगा, भिद्यते। ध्यान रखना जितनी भी धातु है, ऐसी धातु है जिनके अंत में क्या है, दया है, हलंते। तो जब ये भिद्यते लिखा जाएगा तो इसमें क्या जोड़ दिया जाएगा, य, उससे क्या शब्द बनेगा, द्य, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, भिद्यते, ठीक है। यानी तो ये ध्यान रखना है कि धातु के अंत में यदि हलंत दय है, प्रवर्ग का दे है, तो उसका क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही खाद धातु है, खाद यानी आप जानते ही हो खाना, खाद का क्या हो जाएगा, खाद्यते, क्या हो जाएगा, खाद्यते। आप यानी प्राप्त करना, आप यानी क्या करना, प्राप्त करना, इसका क्या हो जाएगा, आप्यते, क्या हो जाएगा, आप्यते। उसके बाद हरि, हरि यानी हरण करना, हरण करना, क्या हो जाएगा, हरियते, हरियते। उसके बाद शक, शक यानी सकना, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, शक्यते, क्या हो जाएगा, शक्यते। उसके बाद यात, यात जो है वो किसकी धातु है, आत्मनेपदी की, यात यानी मांगना, इसके क्या हो जाएगा, याच्यते, क्या हो जाएगा, याच्यते। धृ, धृ यानी धारण करना। अब देखो ये जो धातु है इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, रि, तो इसके क्या हो जाएगा, धार्यते, क्या हो जाएगा, धार्यते, ठीक है। ऐसे ही ईर्ष्या, ईर्ष्या यानी ईर्ष्या करना, क्या हो जाएगा, ईर्ष्यते, क्या हो जाएगा, ईर्ष्यते, ठीक है। और एक दो धातु और इनको लिखा देता हूं मैं। तो ये जो पर क्या है, प्रमुख धातु है, इन प्रमुख धातुओं को आपको विशेष रूप से याद करना है। अब जैसे नम, नम यानी झुकना, क्या हो जाएगा, नम्यते, क्या हो जाएगा, नम्यते। निंद, निंद यानी निंदा करना, क्या हो जाएगा, निंद्यते, निंद्यते, ठीक है। उसके बाद भाष, भाष यानी बोलना या कहना, क्या हो जाएगा, भाष्यते, क्या हो जाएगा, भाष्यते, ठीक है। उसके बाद क्षम,
क्षम यानी क्षमा करना, क्या हो जाएगा इसका, क्षम्यते, क्या हो जाएगा, क्षम्यते। उसके बाद जीव यानी जीना, जीव यानी जीना, तो इसका क्या हो जाएगा, जीव्यते, क्या हो जाएगा, जीव्यते। उसके बाद क्रीड यानी खेलना, इसका क्या हो जाएगा, क्रीड्यते, क्या हो जाएगा, क्रीड्यते। उसके बाद हन, हन यानी क्या होगा, मारना, और यहां पर क्या हो जाएगा इसका, हन्यते। ठीक है, तो ऐसी जो धातु है इन धातुओं को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जो मैंने आपको सारणी बनाई थी एक बार दोबारा से सारणी बना देता हूँ आपको लिए। सारणी क्या थी, यदि लट लकार की हम बात करें कर्तृवाच्य बनाने की, लट लकार में किसकी बात करें, कर्तृवाच्य बनाने की, तो क्या होगी, कर्ता वही है, ते, ता और तत्। किसके कर्ता हुए, प्रथम पुरुष के, ठीक है, किसके कर्ता हुए, प्रथम पुरुष के। तो इसकी क्रिया क्या होगी, ति यानी पठति। ध्यान रखना वाच्य परिवर्तन सर्वदा रहो लट लकार में आपके लिए। उसके बाद ये किसके कर्ता हुए, पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। उसके बाद दोबारा द्विवचन, तौ, ते, ये किसके हुए, द्विवचन के कर्ता हुए प्रथम पुरुष के, इनकी क्रिया क्या हुई, त। उसके बाद यदि बहुवचन की कर्ताओं की बात करें तो पुल्लिंग में आ जाएगा ते, यहां पर भी क्या जाएगा, सा ते, ता और तत्ते, तानि। ठीक है, वह, वे दोनों, वे सब, यहां पर क्या जाएगा, ठीक है, ये प्रथम। उसके बाद प्रथम पुरुष के कर्ताओं में क्या जाएगा, कोई भी नाम, क्या आएगा, कोई भी नाम, ये किसके कर्ता हो जाएंगे, प्रथम पुरुष के। उसके बाद यदि मध्यम पुरुष के कर्ताओं की हम बात करें तो मध्यम पुरुष के कर्ताओं में सिंपल है, तुम यानी तुम, युवाम, युवाम यानी तुम दोनों, और अंतिम है इसका यूयम यानी तुम सब। तो तुम के संग क्या आएगा, सी पठसी, यहां पर क्या आ जाएगा, थ पठ, और यहां पर क्या आ जाएगा, थ पठ। ठीक है, उसके बाद यदि हम उत्तम पुरुष की बात करें तो उत्तम पुरुष के कर्ताओं में क्या आता है, अहम यानी मैं, अहम यानी मैं, क्रिया क्या होगी, आमी। किसकी क्रिया होगी, ये लट लकार की, लट लकार में परस्मैपदी की धातुओं में। उसके बाद अहम आवाम, आवाम यानी हम दोनों, इसकी क्रिया क्या होगी, आवह। उसके बाद अंतिम जो है उत्तम पुरुष से कर्ता वो क्या होगा, वयम, वयम की क्या हो जाएगी, आमह। ठीक है, ये किसमें आएगा, आपका वाच्य परिवर्तन करते समय कर्तृवाच्य में जब अपन परिवर्तित करेंगे। ठीक है, और यदि हम किसमें कर्मवाच्य में परिवर्तित करें तो कर्ता तो सिर्फ यही रहेंगे लेकिन क्रिया बदल जाएंगी, क्रिया क्या हो जाएंगी, पट धातु से बताते हैं अपन, पठ, पठ यानी पढ़ना, क्या हो जाएगी, पठ्यते, पठ्येते और पठ्यन्ते। किनकी क्रिया है ये क्रिया है प्रथम पुरुष की। और मध्यम पुरुष की क्रियाओं की बात करें तो क्या आ जाएगा, पठ्यसे, पठ्येथे, पठ्यद्वे, क्या पठ्यसे, पठ्येते, पठ्यद्वे। और ये उत्तम पुरुष की क्रियाओं की बात करें तो पठ्ये, पठ्या वहे और पठ्या महे, ये ऐसी क्रियाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको सारणी को विशेष रूप से ध्यान रखना है और वाक्य परिवर्तन में आपने विशेष रूप से सारणी, शब्द रूप, धातु रूप, इनको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और यदि आपको नियम याद है तो कुछ जो नियम है वो एक दो धातुओं में लगेंगे, जैसे क्री, ऋकारांत का री हो जाता है, आकारांत का ई हो जाता है। ठीक है, इनको आपको विधि को विशेष रूप के जो नियम लिखा है उनको याद रखना है।
और ये वाच्य परिवर्तन में कर्मवाच्य बदलने के लिए ये क्रियाएं कर्मवाच्य में और भाववाच्य में इस प्रकार से चलेंगी, और कर्तृवाच्य में क्या चलेंगी, पठति पठतः पठन्ति इस प्रकार चलेंगी। इसके बाद आज के लिए इतना ही, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको वाच्य परिवर्तन बताया जाएगा किस प्रकार किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।